ट्रेन। स्टूडेंट्स, हम इसमें पोयम में ये रीड करेंगे आज कि यहाँ पे एक ट्रेन के बारे में बताया गया है। सो लेट्स स्टार्ट। कम ऑन चिल्ड्रन, लेट्स प्ले अ गेम, क्लाइंब अबोर्ड द चलिंग ट्रेन्स, ब्लो योर विजल्स एंड टेक योर सीट्स ऑन टू द शोल्डर्स इफ यू प्लीज। इसका मतलब ये है कि बोलते हैं इस पोयम में, इसमें कहा गया है कि आओ बच्चों आओ और हम साथ में एक गेम खेलते हैं। यहाँ पे हम एक चलती हुई ट्रेन, चलती ट्रेन का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जो ट्रेन छुक छुक करके चलती है, फक फक करके चलती है, हम यहाँ पे उसकी बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे एक चलती हुई ट्रेन में चढ़ते हैं। ब्लो योर विजल्स एंड टेक योर सीट्स, जो विजल बजाती है, ट्रेन विजल बजाती ही है। सो जो ट्रेन विजल बजाती है, अब आप क्या करेंगे, आप अपनी सीट से लेंगे ऑन टू शोल्डर्स इफ यू प्लीज। आप अपने शोल्डर्स को ओपन करिए अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो। फॉरवर्ड, बैकवर्ड, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, बट इन अ लाइन डोंट रन आउटवर्ड। फॉरवर्ड और बैकवर्ड, फॉरवर्ड मतलब आगे जाना, पीछे जाना, समझिए। फॉरवर्ड, बैकवर्ड, बट इन अ लाइन डोंट रन आउटवर्ड। आप एक ही लाइन में रहिए, बाहर की तरफ मत निकलिए। स्टे इन लाइन एंड शट योर आईज, विथ ओपन आईज यू विल नथिंग एस्केप। हियर यहाँ ये दिया है, स्टे इन लाइन, आप एक लाइन में ही रहिए, अपनी आईज को बंद कर लीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप ओपन आईज से यू विल नॉट एस्केप। स्टे का मतलब यहाँ पे होता है जासूसी करना। सो यहाँ बोला गया है कि आप एक लाइन में रहिए, रहिए, अपनी आंखों को बंद करिए। यदि आप खोली आंखें रखेंगे तो आप जासूसी नहीं कर पाएंगे। Chug 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 chug, the train is on its way. Stop stop stop, all the stations say. देखिए ट्रेन तो चक चक करती है, तो चक 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 ट्रेन करती है, और स्टॉप 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 कौन करता है, स्टेशन करता है। Now, on roads of iron we move to and fro. Here come the lights and there they go. आयरन के रोड्स बने होते हैं, ट्रेन जहाँ पे जाती है वहाँ पे आयरन के रोड्स बने होते हैं। तो move to and fro का मतलब ये आगे पीछे जाते रहते हैं। Here come the lights, तो जब ये आगे पीछे जाते हैं तो हम जैसे ही ट्रेन में निकल रहे हैं तो हमको लाइट्स पास आउट होती हुई निकलती है, लाइट्स निकलती हुई निकलती है। Across the meadows, over the hills, past a aging farmer's temple sneaks. जब ये ट्रेन निकलती है तो पास से लाइट भी गुजर रही है। यहाँ बोला across the meadows, meadows का मतलब होता है कि जहाँ पे हरे भरे घास होते हैं, प्लांट्स होते हैं। तो हमारी जो ट्रेन है वो मीडोज को क्रॉस करती हुई जा रही है, हिल्स को क्रॉस करती हुई जा रही है, फार्मर्स को क्रॉस करती हुई जा रही है, मंदिरों को, मील्स को, पास्ट विलेजेस वेल्स एंड लश ग्रीन फील्ड विथ ब्रोकन वॉल्स एंड पोटेटो फील्ड। कुछ गांव को ये पास करते हुए जा रही है। यहाँ लश ग्रीन का मतलब होता है हरे भरे खेत, फील्ड को पार करती हुई जा रही है, एंड ब्रोकन वॉल्स एंड पोटेटो फील्ड, टूटी हुई दीवारें और पोटेटो के खेतों को ये क्रॉस करती हुई जा रही है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये बताया है, स्मोकी क्लाउड्स, पेयर्स एंड क्राउड्स, विलेज पेयर्स, राइडर्स ऑन मेयर्स, फ्लॉक्स ऑफ बर्ड्स, क्लस्टर्ड हट्स, ब्रिजेस एंड पाथ्स, धोबी घाट्स, स्मॉल टी शॉप्स, पडल एंड फ्लॉक्स। तो यहाँ पे ये बताया है हमारी जब ट्रेन जाती है तो किन किन चीज़ों को पास करते हुए जाती है। धुंधले बादलों को पास करती हुई जाती है, भीड़ को पास करती हुई जाती है, कई सारे गांव को पास करती हुई जाती है, राइडर्स एंड मेयर्स। आप लोगों ने वो देखा होगा ना, वो मैरी गो राउंड्स होते हैं जिसमें राउंड राउंड घूमते हैं, उसको पास करते हुए जाती है, पक्षियों के झुंड को पास करते हुए जाती है, क्लस्टर हर्ट्स को, बहुत सारी झोंपड़ियों को पास करते हुए जाती है, ब्रिजेस हुए, पाथ हुए, धोबी के घाट हुए, छोटी छोटी दुकानें हुई। सो इन सबको ये पास करते हुए हमारी ट्रेन जाती है। स्टूडेंट्स हमने ये रीड किया, इसमें कुछ चीज़ें हैं लाइक चलिंग ट्रेन्स। सो चलिंग ट्रेन्स का मतलब होता है जो चीज़, जो गाड़ी ट्रेन चुप चुप करते हुए जाती है उसको हम बोलते हैं चलिंग ट्रेन्स। यहाँ स्टे, स्टे का मतलब होता है जासूसी करना। नाउ मीडोज, मीडोज का मीनिंग यहाँ पे हुआ है बहुत सारी ग्रासेस होती है, प्लांट्स होते हैं, पानी जहाँ बहुत सारा भरा हुआ होता है हम उसको
इसको विडोज बोलते हैं। सो यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं जो हमने यहाँ पे देख लिए। क्लस्टर्स मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ थिंग्स, दैट इज कॉल्ड द क्लस्टर्स। सो चिल्ड्रंस आपको कैसी लगी ये पोयम? हमारी पोयम यहाँ फिनिश होती है।